सपना यह हर एक इंसान को देखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने वालों को ही सफलता मिलती है। पर हर सफलता प्रेरणा का स्रोत नहीं बनती, बनती वही है जो सफलता कठिनाइयों में रहकर पाई जाती है। और अगर यह सफलता IAS बनने की हो तो फिर इसका क्या ही कहना। पर सफलता की यह कहानी कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस कहानी को हर एक उन युवाओं तक ले जानी चाहिए जो जीवन में सफल होने के सपने देखते हैं, और इसके लिए सिनेमा से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। जिसे चाणक्य IAS एकेडमी के फाउंडर और चेयरमैन AK मिश्रा बखूबी जानते हैं, इसलिए AK मिश्रा की प्रस्तुति में 12 मई को फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं देश के कई सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसी से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन फिल्म के एक्टर इमरान जाहिद के साथ सक्सेस गुरु AK मिश्रा ने चाणक्य IAS एकेडमी के दिल्ली स्थित तीनों ब्रांचों के छात्रों के साथ किया। सबसे पहले वे चाणक्य के ऑटरम लेन स्थित ब्रांच में गए, जहां छात्रों का उत्साह गजब का था। कार्यक्रम की शुरुआत में सक्सेस गुरु AK मिश्रा ने बताया कि इस फिल्म को लाने का मकसद उन युवाओं के सपनों को जगाए रखना है, उनकी प्रेरणा को बनाए रखना है जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस फिल्म में भी एक प्रोफेशनल टच देने के लिए एक अच्छी शख्सियत को बुलाया गया कि मेरे रोल पे भट्ट साहब जो है उसी सेम काम उन्होंने किया है जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कर रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग बात है कि आप इस फिल्म को देखते देखते आप कनेक्ट हो जाएंगे कि शायद मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है। और ये कहानी सिर्फ एक किसी एक पर्सन की नहीं है, मैंने जैसा कहा हजारों ऐसे कहानियां हैं जो दिल्ली की ओर आते हैं और बड़े शहरों की ओर जाते हैं, कहते हम सक्सेस कर पाएंगे, नॉट ओनली इन सिविल सर्विसेज बट कोई भी कामयाबी पाने के लिए ये हार और जीत का ये जो सफर है, संघर्ष है, वो हर किसी के जीवन में आता है। फिर फिल्म के मुख्य अभिनेता इमरान जाहिद ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों को वहां मौजूद छात्रों के साथ साझा किया। तो अमूमन यही होता है कि हम अपने सपनों को देखते हैं, चाहे मैंने फिल्म को लेकर के देखा, चाहे आप लोगों ने एक सिविल सर्वेंट बनने को देखा, मुश्किलात तो आते हैं है ना, और बट उसको हासिल करना, उसको पूरा करना पड़ता है ना। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है सिविल सर्विस में, मैं देखता हूँ कि इतने अटेम्प्ट मिलते हैं तो हम अपने आप को हर बार उस लेयर को डेवलप करते हैं, हमारी जो कमियां होती हैं उसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी कुछ कमियां रहेगी तो हम उसको और मजबूती के साथ उस वॉल को उस फाउंडेशन के साथ करें। हमारी फिल्म का मकसद ये था, चूँकि मैं थिएटर करता रहा हूँ, महेश भट्ट मेरे मेंटोर हैं, हम हमेशा से ये चाहते थे कि हम अगर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं तो एक मैसेज होना चाहिए। और जब नाटक के बाद हम सर से मिले तो सर ने तभी कहा था कि हम इसको एक फिल्म के तौर पर लेकर के आएंगे, और हमने इस पर काम करना शुरू किया। और धीरे 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 करके, जैसे कहते हैं कि एक बेबी स्टेप लेते हुए, हमने इस फिल्म को शूट किया, बनाया। उसके बाद छात्रों ने फिल्म से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे। इस फिल्म को लेकर छात्रों के बीच बढ़ते क्रेज को साफ देखा जा सकता था। तो मतलब एक सब थीम जो है वो बस एक कैप्चर होके रखा है एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर कि देयर इज अ लव स्टोरी एंड देयर इज अ ब्रोकन लव स्टोरी दैट कैन लीड यू टू सक्सेस। हमारी टैगलाइन पर साइलेंट लव स्टोरी है, ब्रोकन नहीं है। वो कह ही नहीं पा रहा उसे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो फिर टूटा कहाँ दो। देखो इतना बड़ा लगा होगा वो जो आप समझो, आपने देखा होगा टेलर में एक सीन है मूछों वाला, तो मुझे एक लड़का बाहर बुला करके ले गया पटना में, भैया आपसे हम बात करना चाहते हैं। हम बोले हाँ बताओ भैया, ये आप अच्छा नहीं किए मूछ हटा करके। फिल्म को लेकर यही क्रेज अकेडमी के दूसरे ब्रांचों में भी देखा गया। राजेंद्र प्लेस और सत्य निकेतन में संस्थान के छात्रों ने इमरान जाहिद और सक्सेस गुरु के साथ फोटोग्राफी भी की, सेल्फी भी ली। चाणक्य IAS एकेडमी के सत्य निकेतन स्थित हेड ऑफिस में भारतवर्ष एक्सप्रेस की युवा पत्रकार बिजूरिया ने सक्सेस गुरु और इमरान जाहिद का इंटरव्यू लिया, जिसमें फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से जुड़े कई सवालों का जवाब फिल्म के एक्टर और सक्सेस गुरु ने दिया। फिल्म का गाना महसूस हुआ फिल्म के रिलीज होने से पहले ही चार्टबस्टर में शामिल हो चुका है। गाने के साथ लोगों के बीच फिल्म का क्रेज बढ़ता जा रहा है। फिल्म से जुड़े सभी लोगों की उम्मीद है कि फिल्म जरूर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ेगी।